देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है। राजस्थान मध्य सभा, इनकी स्थापना हुई थी 29 दिसंबर 1919 को। उसका प्रधान कार्यालय किस जगह स्थापित किया गया है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा आमेर में इसका प्रधान कार्यालय स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है, राजपूताना रेजिडेंसी, इसकी स्थापना 1932 ईस्वी में किस जगह की गई थी? तो देखिए, इसकी स्थापना अजमेर में की गई थी। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राज्य के कितने प्रतिशत भाग में जागीरदारी प्रथा का प्रचलन था? तो देखिए, 60% भाग में जागीरदारी प्रथा का प्रचलन था, इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है, स्वतंत्रता आंदोलन के बाद में राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा माणिक्य लाल वर्मा को बनाया गया था, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, मध्य भारत समाज और राजपूताना का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? जमनालाल बजाज होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, भोमट भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, इसका नेतृत्व किया था मोतीलाल तेजावत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 24 अप्रैल 1938 ईस्वी में। नेक्स्ट आपको दे रखा है, राज्य में उत्तरदायी शासन कायम करने हेतु मारवाड़ लोक परिषद जोधपुर में उत्पन्न आंदोलन के कारण 9 जून 1942 में गिरफ्तार होकर 19 जून 1942 में जोधपुर में कौन शहीद हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर का बाल मुकुंद बिस्सा शहीद हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा कहाँ के मूल निवासी थे? तो देखिए, ये पीलवा जोधपुर के मूल निवासी थे। नेक्स्ट आपको दे रखा है, जैसलमेर के क्रांतिकारी नेता कौन थे? देखिए, जैसलमेर के क्रांतिकारी नेता कौन थे? सागरमल गोपा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, मारवाड़ लोक परिषद जोधपुर की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए, इसकी स्थापना की गई थी 1938 में। निम्न में भील आंदोलन का संबंध है, तो निम्न में से भील आंदोलन का संबंध किसी से है, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसमें उपरोक्त सभी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, मामा बालेश्वर दयाल, माणिक्य लाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता। नेक्स्ट, वह वीर क्रांतिकारी जिसे जेल में जिंदा जला दिया गया और वे अगले दिन शहीद हो गए थे। तो देखिए, वो थे सागरमल गोपा, इनको जेल में जिंदा जलाया गया था और बाद में अगले दिन ये शहीद हुए थे। नेक्स्ट आपको दे रखा है, एक बहुत ही फेमस कथन है, एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो देखिए, यह जो कथन है वो शेर शाह के द्वारा कहा गया है, ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, सामेल यानी कि जैतारण का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था?
तो देखिए ये शेरशाह है और मालदेव के बीच में जैतारण का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट आपको दे रखा है जैतारण का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया था। तो देखिए ये लड़ा गया था 1544 ईस्वी में। रावचंद्र सेन ने आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए अपने पिता मालदेव का एक लाल यानी कि जो रत्न है वो महाराणा उदय सिंह को बेचा, जिसकी कीमत कितनी आंकी गई थी। तो देखिए इसकी जो कीमत है वो 60,000 आंकी गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है अकबर ने अजमेर यात्रा के दौरान नागौर में अकाल से राहत के लिए एक तालाब का निर्माण करवाया था, इस तालाब का नाम क्या था यह आपको बताना है। तो देखिए ये जो तालाब है इसका नाम क्या है, शुक्र तालाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है नागौर दरबार का आयोजन किसके द्वारा किया गया। तो देखिए नागौर दरबार का जो आयोजन है वो अकबर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारवाड़ का वह राठौड़ शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो देखिए वो शासक कौन था, राव चंद्र सेन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मुगल राज्य की कृपा प्राप्त करने वाला प्रथम मारवाड़ शासक कौन था। तो देखिए वो कौन था, उदय सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपनी पुत्री भानुमती का विवाह है अकबर के पुत्र सलीम यानी कि जो जहांगीर है उसके साथ में किस मारवाड़ शासक ने किया था। काफी फेमस है ये शासक और इसका नाम क्या है, मोटा राजा उदय सिंह है। ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है जोधपुर की राजकुमारी, यहां पर देखिए राजकुमारी लिखा गया है, जो कि आगे चलकर जगत गुसाई के नाम से प्रसिद्ध हुई थी, उस राजकुमारी का नाम आपको बताना है। तो देखिए उस राजकुमारी का नाम क्या था, भानुमती था, जोधपुर से संबंध रखती थी और जगत गुसाई के नाम से ये फेमस हुई थी। नेक्स्ट आपको देखा किस मारवाड़ शासक ने बाठियों को पोकरण बेचा था। तो देखिए उस शासक का नाम क्या था, राव चंद्र सेन था। नेक्स्ट आपको देखा है सूर सागर तालाब तथा उस पर कोटा महल किसने बनवाया था। तो देखिए सूर सागर तालाब और उसके ऊपर कोटा के महल का निर्माण सूरज सिंह के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोधपुर के राज परिवार का वो प्रथम व्यक्ति जिसने मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। जोधपुर के राज परिवार का प्रथम व्यक्ति आपसे पूछा है इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मोटा राजा उदय सिंह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है राजस्थान की लिग्नाइट आधारित ताप जो परियोजना है वो कहाँ पर है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा बरसिंहसर में है, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको देखा है गज सिंह ने किसके कारण अमर सिंह को अधिकार से वंचित कर दिया था। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, अनारा के कारण अमर सिंह को उत्तराधिकार से वंचित कर दिया था। नेक्स्ट आपको दे रखा है सूर सिंह को टीका देने की जो रस्म है उसका आयोजन कहां पर किया गया था। तो देखिए इसका आयोजन लाहौर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है किले के द्वार बंद करवाकर उदयपुरी रानी ने किसके लिए कहलवाया था
कि राजपूत या तो युद्ध से विजयी होकर लौटते हैं या फिर मर मिटते हैं। काफी फेमस कहानी है इस क्वेश्चन के पीछे भी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? जसवंत सिंह होगा। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ नया ही सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी नए क्वेश्चन आंसर के साथ में। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।